हेलो, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल एंड फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट। तो उसमें हमने फर्स्ट देखा कंडीशनिंग शैम्पू, सेकंड है हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर इट कैन बी लिक्विड, क्रीम, पेस्टिस और जेल्स दैट फंक्शन लाइक सीबम, मेकिंग हेयर मैनेजेबल एंड ग्लोसी अपीयरेंस। ये एक लिक्विड प्रिपरेशन है, क्रीमी है, पेस्ट्रीज है और जेल के फॉर्म में होता है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन लाइक सीबम एंड हेयर को मैनेज करना और ग्लोसी अपीयरेंस करना। फिर कंडीशनर, हेयर कंडीशनर के इंग्रेडिएंट फर्स्ट है मॉइस्चराइजर, होल्ड मॉइस्चर इन हेयर। मॉइस्चराइजर क्या करता है? जो भी हेयर में मॉइस्चर उसको होल्ड करता है। एसिडिफायर, मेंटेन कंडीशन पीएच की कंडीशन को मेंटेन करता है एसिडिफायर। लुब्रिकेंट लाइक फैटी अल्कोहल, पेंथिनॉल। लुब्रिकेंट जो कि हम यूज करते हैं हेयर कंडीशनिंग में, दैट इज फैटी अल्कोहल एंड पेंथिनॉल। ऑयल, फोर्थ इंग्रेडिएंट है ऑयल, कैन हेल्प हेयर बिकम मोर सॉफ्ट। ये क्या करेगा? हेयर को सॉफ्ट करेगा। फिर ग्लोजर्स, लाइट रिफ्लेक्टिंग केमिकल दैट बाइंड टू हेयर सरफेस। ये लाइट रिफ्लेक्टिंग केमिकल है जो कि बाइंड करेगा हेयर सरफेस को। फर्स्ट हमने इंग्रेडिएंट देखा, पहले हेयर कंडीशनिंग का डेफिनेशन देखा। तो हेयर कंडीशनिंग ये एक लिक्विड प्रिपरेशन, लिक्विड या फिर क्रीम या फिर पेस्ट और जेल फॉर्म में अवेलेबल रहता है, जिसका फंक्शन क्या है? सीबम की तरह है जो कि हेयर को मैनेज करता है और ग्लोसरी अपीयरेंस। फिर हमने देखा इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट में फर्स्ट हमने देखा मॉइस्चराइजर जो कि होल्ड करेगा मॉइस्चर ऑफ हेयर को। फिर एसिडिफायर जो कि मेंटेन करेगा कंडीशन पीएच। फिर लुब्रिकेंट, उसका एग्जाम्पल हमने देखा फैटी एसिड और फैटी अल्कोहल एंड पेंथिनॉल। हमने लुब्रिकेंट देखा, लुब्रिकेंट उसका एग्जाम्पल है फैटी अल्कोहल पेंथिनॉल। फिर ऑयल जो कि हेयर को सॉफ्ट करेगा। फिर ग्लोसर जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा केमिकल जो कि बाइंड करेगा हेयर सरफेस को। फिर अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ हेयर कंडीशनिंग। पहला है पैट कंडीशनर, दे आर हैवी एंड थिक विथ हाई कंटेंट ऑफ फैटी सर्फेक्टेंट दैट बाइंड हेयर स्ट्रक्चर एंड ग्लू द हेयर सरफेस स्कार्प्स टुगेदर। ये एक हैवी और थिक रहता है जो कि हाई कंटेंट रहता है फैटी एसिड सर्फेक्टेंट जो कि बाइंड करेगा हेयर स्ट्रक्चर एंड ग्लू ऑफ हेयर सरफेस स्कार्प्स टुगेदर। पैक कंडीशनर ये हैवी एंड थिक विद हाई कंटेंट फैटी एसिड सर्फेक्टेंट रहता है जो कि बाइंड करता है हेयर स्ट्रक्चर को और ग्लू को द हेयर सरफेस स्केल्स टुगेदर। सेकेंड है लीव इन कंडीशनर, दे आर थिनर एंड बेस्ड ऑन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड चेन। ये थिनर रहता है और ये बेस्ड होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन पे। डिजाइन टू यूज इन सिमिलर वे टू हेयर ऑयल, प्रिवेंट द टैंगलिंग ऑफ हेयर एंड कीप इट स्मूथ। ये यूज किया जाता है हेयर ऑयल की तरह, बट ये प्रिवेंट करता है टैंगलिंग ऑफ हेयर एंड कीप इट स्मूथ। थर्ड है ऑर्डिनरी कंडीशनर, ये दे आर अप्लाइड डायरेक्टली आफ्टर यूजिंग शैम्पू। ऑर्डिनरी कंडीशनर ये एक ऐसा कंडीशनर जब हम उसको अप्लाई करते हैं आफ्टर यूजिंग शैम्पू। फोर्थ है होल्ड कंडीशनर, होल्ड द हेयर इन डिजायर शेप। ये क्या करता है? हेयर को जिस शेप में चाहिए उस शेप को डिजायर शेप में प्रोवाइड करता है। फर्स्ट हमने देखा डेफिनेशन हेयर कंडीशनर का, ये एक लिक्विड क्रीमी पेस्टिस और जेलिस फॉर्म में है जिसका फंक्शन क्या है? मेकिंग हेयर मैनेजेबल एंड ग्लोसरी अपीयरेंस। फिर हमने इंग्रेडिएंट में पांच इंग्रेडिएंट देखा। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है मॉइस्चराइजर जो कि होल्ड करेगा मॉइस्चर कंटेंट को। सेकेंड एसिडिफायर जो कि मेंटेन करेगा कंडीशन पीएच का। फिर लुब्रिकेंट लाइक फैटी अल्कोहल पेंटिनॉल, ऑयल्स जो कि हेयर को सॉफ्ट करेगा। फिर ग्लोजर जो कि लाइट रिफ्लेक्टिंग केमिकल्स को बाइंड करेगा टू हेयर सरफेस। फिर टाइप्स देखा, टाइप्स में फर्स्ट हमने देखा पैक कंडीशनर, ये एक हैवी और थिक विथ हाई कंटेंट ऑफ फैटी सैचुरेटेड एसिड रहता है जो कि बाइंड करता है हेयर स्ट्रक्चर एंड ग्लू द हेयर सरफेस स्कार्प्स टुगेदर। सेकेंड टाइप से लीव इन कंडीशनर, ये थिनर रहता है, ये बेस्ड होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड चेन। ये डिजाइन इसलिए किया जाता है सिमिलर टू हेयर ऑयल जो कि प्रिवेंट करता है टैंगलिंग ऑफ हेयर एंड कीप इट स्मूथ। ऑर्डिनरी कंडीशनर ये अप्लाइड करता है आफ्टर यूजिंग शैम्पू। फिर होल्ड कंडीशनर, ये होल्ड करता है हेयर को जिस तरह से हमको हेयर का शेप चाहिए।